resistivity. Our new topic is the resistivity. It has been found by the experiments that या experiments से पाया गया है कि the resistance of a given conductor is directly proportional to its length. Resistance जो होता है किसी भी conductor का वो directly proportional होता है length के. R is directly proportional to L. This is equation one. And second, the resistance of a given conductor is inversely proportional to its area of cross section. और दूसरा कि resistance जो होता है conductor का वो आपका inversely proportional होता है area का. This is equation two. By combining the relations one and two, we get one or two को हम लोग combine करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे? R is inversely proportional to L by A. Clear है? तो जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज रो. आर इज इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए. एंड दिस रो इज ए कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. और इस रो को हम एक ऐसा कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. अभी तक तो आप रेजिस्टेंस पढ़े थे, अब एक नया टॉपिक आ गया, दैट इज रेजिस्टिविटी. है ना, उल्टा पी. हम लोग पी जो लिखते हैं ना यही पी है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा पी है ना, थोड़ा सा टेढ़ा पी है. दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी. और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. और रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सेकेंड नेम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया हमारे को याद रखेंगे? रो इंटू एल बाई ए. क्लियर है? रो कैसे लिखते हैं वो आप देख लिए. रेजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टांस. चलिए रेजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टांस, इफ वी रीअरेंज इक्वेशन थ्री वी कैन राइट. यदि हम लोग जो इक्वेशन था R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल. क्लियर है? एंड दिस रो इज व्हाट? दिस इज रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. क्लियर? इसका सेकंड नेम इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. Let us take a conductor having a unit area of cross section of 1 meter square and a unit length of 1 meter. हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन है 1 meter square का और उसका लेंथ भी है जो 1 meter का है. ठीक है? तो वैल्यू पुट कर दीजिए तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू 1/1. दैट मीन्स रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रजिस्टेंस. क्लियर? तब हमारा रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा जब हमारा क्या हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका 1 हो और हमारा 1 meter square हो और लेंथ भी हमारा 1 meter हो. तो वैसी स्थिति में रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होता है. सिंस द लेंथ इज 1 meter एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 square meter, सो इट बिकम्स 1 cubic meter. द रेजिस्टेंस ऑफ ए सबस्टांस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेसेज ऑफ 1 meter cube ऑफ द सबस्टांस. कहने का अर्थ हो गया कि 1 cubic meter ऑफ सबस्टांस का, 1 cubic meter, ध्यान देंगे, 1 cubic meter यदि सबस्टांस रहे तो वहां पर हमारा रजिस्टिविटी जो है वो रजिस्टेंस के बराबर होता है. क्लियर? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का यूनिट तो हो गया ओम, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट हो गया मीटर. मीटर से एक मीटर कट गया, दैट इज इक्वल टू ओम मीटर. क्लियर? तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू ओम मीटर. रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? ओम मीटर होगा. The SI unit of resistivity is ohm meter, which is written in symbols as ohm meter. हमारा SI unit होता है resistivity का क्या? Ohm meter होता है, जिसे हम लोग कैसे लिखते हैं? Ohm meter. Clear? Ohm.
जो हम लोग ओम जपते हैं वो ओम नहीं है, है ना। हमारा ये ओम है, ये ओम नहीं, यहां क्या है, ओ एच एम ओम है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टांस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। और रेजिस्टिविटी जो होता है वह उसके लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है, याद है ना। रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। लेकिन रेजिस्टिविटी जो होते हैं वो आपको लेंथ और एरिया दोनों में से किसी भी पर डिपेंड नहीं करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सबस्टांस एंड टेम्परेचर, या सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सबस्टांस और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि किस चीज का सबस्टांस बना हुआ है और टेम्परेचर कितना है। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टांस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सबस्टांस क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की एक अपनी कैरेक्टर है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। सो वी कैन यूज द रेजिस्टिविटी वैल्यूज टू कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ टू और मोर सबस्टांस। इसीलिए कोई भी दो सबस्टांस के बीच का यदि हमको रेजिस्टेंस को कंपेयर करना होगा तो हम लोग उसकी रेजिस्टिविटी को देखते हैं। By saying that the resistivity of copper is 1.69 into 10 to the power minus 8 ohm meter, we mean that if we take a rod of copper metal 1 meter long and 1 square meter in area of cross section, then its resistance will be 1.69 into 10 to the power minus 8 ohm. कहने का अर्थ हुआ कि यदि हम लोग कहते हैं कि कॉपर की रेजिस्टिविटी जो है 1.69 into 10 to the power minus 8 ohm meter है, इसका मतलब कि एक क्यूबिक मीटर से, ठीक है, एक क्यूबिक मीटर से यानी एक घन मीटर से जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, एक घन मीटर कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1.69 into 10 to the power minus 8 ohms. A good conductors of electricity should have low resistivity. और एक अच्छा कंडक्टर होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, यानी रेजिस्टेंस भी कम होगा। एंड ए पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल हैव अ हाई रेजिस्टिविटी। और पुअर कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। द रेजिस्टिविटीज ऑफ एलॉय आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम विच दे आर मेड। और जब भी आप एलॉय और प्योर मेटल का कंपेरिजन कीजिएगा तो एलॉय जिस प्योर मेटल का बना है उससे उससे एलॉय का रेजिस्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मैग्नीन विच इज एन एलॉय ऑफ कॉपर मैग्नीज एंड निकल। याद रखेंगे मैग्नीन किस किस चीज का बना हुआ है, कॉपर मैग्नीज और निकल का। मैं फिर बोलता हूं, याद रखेंगे कि मैग्नीन एलॉय है कॉपर मैग्नीज और निकल का, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है ना, वो अबाउट 25 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर। कॉपर से 25 गुना ज्यादा है ना। इसकी जो रेजिस्टिविटी है मैग्नीन की वो कॉपर से भी ज्यादा है, मैग्नीज से भी बहुत ज्यादा है, और निकल से भी ज्यादा है। क्लियर। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कॉन्स्टेंटन, और कॉन्स्टेंटन एलॉय जो है वो बना हुआ है किस चीज का, कॉपर और निकल का। ये भी याद रखेंगे कि कॉन्स्टेंटन किस किस चीज का बना हुआ है, कॉपर एंड निकल का, इज अबाउट 30 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर मेटल। और ये कॉपर से 30 टाइम्स इसका ज्यादा रेजिस्टिविटी होता है, किसका, कॉन्स्टेंटन का। इट इज ड्यू टू देयर हाई रेजिस्टिविटीज that magnesium and constantin alloys are used to make resistance wires या resistors। और इसी के चलते हम लोग मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का यूज करते हैं किस चीज में, रजिस्टेंस वायर बनाने में या रजिस्टर्स को बनाने में। यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज टू रिड्यूस द करेंट, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में यूज करते हैं करेंट को घटाने के लिए। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में।
LY having a high resistance is nichrome, और दूसरा next LY है जो कि की रजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है वो है नाइक्रोम। दिस इज एन एलॉय ऑफ निकेल क्रोमियम एंड मैग्नीज। याद रखेंगे कि क्रोम जो है वो एलॉय है किसका, निकेल का, क्रोमियम का और मैग्नीज का एंड आयरन, और चौथा इसमें क्या है, आयरन। तो याद रखेंगे कि नाइक्रोम में क्या क्या चीज है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। तो ये चार चीजों से बना है नाइक्रोम एंड हैविंग ए रेजिस्टिविटी ऑफ अबाउट 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर। और इसकी तो रेजिस्टिविटी बाकी जो दो एलॉय पढ़े उससे भी बहुत ज्यादा, अबाउट 60 टाइम्स हायर है। द हीटिंग एलिमेंट्स और हीटिंग क्वाइल्स, जो भी हीटिंग क्वाइल्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर ETC आर मेड ऑफ एन एलॉय नाइक्रोम रेदर देन ए प्योर मेटल। तो जितने भी आपको देखे हैं, जैसे हीटर देखिए या अपना आयरन देखिए घर में, है ना, या टोस्टर देखिए, इन सारे में आपका जो आपका हीटिंग एलिमेंट होता है वो बना होता है किस चीज का, नाइक्रोम का। क्यों, क्योंकि द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज मच हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल ड्यू टू विच द हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ नाइक्रोम हैज ए हाई रेजिस्टेंस एंड प्रोड्यूसेज ए लॉट ऑफ हीट ऑन पासिंग करेंट। और ये हाई रेजिस्टेंस के चलते ये क्या करते हैं कि करेंट को रोकते हैं, और जब रुकता है करेंट तो वह करेंट क्या होता है, गुस्सा हो करके, क्रोधित हो करके, एंगर हो करके लाल लाल हो जाता है और वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है। इसीलिए देखते होंगे कि जब हीटर जो रहता है ना वो लाल लाल रहेगा और वो हीट प्रोड्यूस करता है। एन एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न, दूसरा ये जलता नहीं है, बर्न नहीं करता है, डज नॉट गो अंडर ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है इजिली आसानी से, इवन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी, वेन इट इज रेड हॉट, जबकि यह रेड हॉट रहता है। ड्यू टू दिस नाइक्रोम वायर कैन बी केप्ट रेड हॉट विदाउट बर्निंग और ब्रेकिंग इन एयर। यही कारण है कि नाइक्रोम जो होते हैं यह ऐसा एलॉय है जो कि ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बर्न नहीं होता है, और ये क्या हो जाते हैं, रेड हॉट हो जाते हैं बिना जले हुए या एयर में बिना टूटे हुए। सैंपल प्रॉब्लम वन हम देखते हैं, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 meter एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 × 10⁻²⁶ m² हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻²⁶ ohms। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी हमें ज्ञात करनी है। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चंस, नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व, और हेयर वी हैव गिवन लेंथ इज इक्वल टू 2 meter, लेंथ यहां दिया हुआ है कितना है 2 meter, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, दैट इज 1.7 × 10⁻⁶ m². ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻²⁶ ohms, और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 2 × 10⁻²⁶ ohms। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज व्हाट। तो फॉर्मूला हमें याद है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, है ना, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यही होता है ना, आर इंटू ए बाई एल। नाउ वी पुट द वैल्यू, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻², एरिया हमारा कितना है 1.7 × 10⁻⁶, डिवाइडेड बाई लेंथ है हमारा कितना 2।
क्लियर। चलिए तो ये टू से तो ये टू कट गया, क्लियर है। तो दैट इज इक्वल टू 1.7 इंटू माइनस सिक्स, 10 to the power -6 प्लस 10 to the power -2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को 10 to the power -8। और रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। तो ये रजिस्टिविटी हमारा निकल गया, यानी रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 इंटू 10 to the power -8 ओम मीटर आंसर। क्लियर। प्रॉब्लम टू, ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 to the power -8 ओम मीटर। ए व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमारे को वायर का लेंथ कितना होना चाहिए, यही पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज हमारे को दिया हुआ है। आर दिया हुआ है रेजिस्टेंस 10 ओम। सेकंड चीज हमारे को रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी कितना है? 1.6 इंटू 10 to the power -8 ओम मीटर। थर्ड हमारे को डायामीटर भी दिया हुआ है। डायामीटर हमारा है कितना? 0.5 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में है, ठीक है। ध्यान देंगे डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा? 0.5/2 है ना, रेडियस हमारा डायमीटर का हाफ होता है, तो दैट इज इक्वल टू 0.25 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि वायर जो होते हैं वो आपका सर्कुलर होते हैं, है ना। लंबे लंबे वायर जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए रेडियस हम निकालें तो 0.25 मिलीमीटर हो गया। तो इसे मीटर में चेंज करना होगा, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करें? मिलीमीटर को चेंज से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 0.25/1000, दैट मीन्स 0.25/10 to the power 3 से लिख सकते हैं। और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.25 × 10 to the power -3, क्लियर है, मीटर। ये हो गया हमारा रेडियस। तो अब हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। किसी भी क्रॉस सेक्शन का आपका, यानी एक सर्किल है, तो उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना है? 0.25 × 10 to the power -3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो दैट इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करेंगे तो एरिया आपको आ जाएगा 0.1964 × 10 to the power -6। यूनिट क्या हो जाएगा एरिया का? मीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया निकाल लिया, तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है? रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। तो यहां से एल इज इक्वल टू निकल जाएगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए बाई रो। क्लियर है। तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो रेजिस्टेंस हमारा 10 है, 10 ओम इंटू एरिया हमारा कितना है? तो एरिया हमने निकाला है 0.1964 × 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई रो। रो कितना है? 1.6 × 10 to the power -8। क्लियर है। तो यहां से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर आपको लेंथ आ जाएगा 122.7 मीटर। यानी हमने लेंथ ऑफ वायर निकाल लिया। लेंथ ऑफ वायर हमारा क्या होगा? 122.7
7 meter. Answer. Clear? B. Second question है, how much does the resistance change if the diameter is doubled? और यदि हमारा डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो बी के लिए डायमीटर डबल, डायमीटर को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है, डबल्ड, दैट मींस रेडियस आल्सो डबल्ड, तो रेडियस भी हमारा डबल हो जाएगा. क्लियर? और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हमारा जब रेडियस डबल हो गया यानी पाई इंटू टू आर का स्क्वायर हो गया, यानी हमारे को क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया. जब हम लोग रेडियस को डबल करेंगे तो एरिया हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाता है. क्लियर है? तो हमें कह रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस तो हम लोग जानते ही हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना. तो एरिया हमारा क्या हुआ है 4 टाइम्स बढ़ गया है, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा 1/4 टाइम से डिक्रीज कर जाएगा, है ना. यानी रेजिस्टेंस हमारा 1/4 हो जाएगा, हेंस रेजिस्टेंस डिक्रीजेज बाय 1/4. आंसर क्लियर? रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया डिक्रीज करके हमारा बिकम्स हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस डिक्रीज करके हमारा क्या हो गया बिकम्स हो गया 1/4. यानी रेजिस्टेंस यदि शुरू में 1 था तो वो घटकर क्या हो गया 1/4 हो गया, यानी रेजिस्टेंस 1/4 हो जाता है. रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया 1/4 हो जाता है. प्रॉब्लम 3, ए 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक 6 ओम रेजिस्टेंस का वायर है, ठीक है, और ये जो वायर है वो आपका यदि इतना लंबा है तो इस वायर को क्या किया जाता है बीच से फोल्ड किया गया, ठीक है. तो बीच से जब इसे फोल्ड कर दिया गया तो ये वायर की लंबाई क्या हो गई हाफ हो गई, लेकिन एरिया क्या हो गया डबल हो गया. यदि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए है तो यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 के मिलने से क्या हो जाएंगे 2a हो जाएंगे. यहाँ लेंथ L है तो यहाँ लेंथ क्या हो जाएंगे L/2 हो जाएंगे. लेंथ हमारा क्या हो गया हाफ हो गया, एरिया हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि आपको वायर को होल्ड कर दिया गया है. क्लियर है? तो हमें बताना है कि नया रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. तो जब हमारा रेजिस्टेंस 6 ओम है, एरिया हमारा A है और लेंथ L है, तो इस अनुसार से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं रो इंटू एल बाई ए, है ना. क्योंकि रो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपको आर इंटू ए बाई एल, है ना, आर इंटू ए बाई एल. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला है हमारा. अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं. अभी रेजिस्टेंस हमारा 6 ओम है तो इस समय रेजिस्टिविटी तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, रो इनटू लेंथ हमारा एल है और एरिया हमारा ए है. क्लियर? इसे इक्वेशन 1 मान लिया. नाउ अब हम बाय फोल्डिंग, बाय अप फोल्डिंग फोल्ड कर दिए हैं, देन हमारा न्यू एरिया जो है A1 हमारा क्या हो गया अब 2A हो गया, लेंथ हमारा न्यू जो लेंथ है वो हमारा क्या हो गया L/2 हो गया. तो यहां पर हमारा अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे रेजिस्टेंस हमारा, तो वही तो नया जो रेजिस्टेंस है क्या होगा इस, अब हमारा
आर वन वो बराबर वाट हमें निकालना है। क्लियर? तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा ना, तो आर वन हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू रो तो हमारा कॉन्स्टेंट है, इंटू लेंथ हमारा नया लेंथ क्या है एल बाई टू, तो एल बाई टू नीचे चला जाएगा, और एरिया हमारा क्या है टू ए हो गया, तो एरिया आप पुट कर दीजिए टू ए। क्लियर? तो दिस इज इक्वेशन टू, ये हमारा इक्वेशन टू है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग कर देते हैं इक्वेशन टू को बाय इक्वेशन वन से। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन। क्लियर? तो हमारा क्या इधर हो जाएगा, इक्वेशन टू को ऊपर लिखेंगे आर वन, और नीचे हमारा लिखाएगा क्या सिक्स, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन टू में हम इक्वेशन वन से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले इक्वेशन टू लिखते हैं, आर रो इंटू एल बाई टू इंटू टू ए को लिख सकते हैं फोर ए। क्लियर है? डिवाइडेड बाई, हम इसको डिवाइड किए कितना से, रो इंटू एल बाई ए से। क्लियर है? इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड किए, दैट मीन्स आर वन बाई सिक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई फोर ए। अब ये डिवाइड से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ए चला गया ऊपर, नीचे आ गया कितना रो इंटू एल। क्लियर है? नीचे चलाएगा हमारा क्या लेंथ हमारा जो है हो गया रो इंटू एल। अब रो से रो कट गया, एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, अब ये सिक्स उस साइड चला जाएगा, ये सिक्स हमारा जो है अपोजिट साइड चला जाएगा, तो नाउ आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स बाई फोर। क्लियर है? अब फोर से सिक्स में डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा 1.5 ओम, यानी नया जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1.5 ओम होगा आंसर। क्लियर? सो सिंपल।